जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब आप या तो बीएससी सीबीजेड में एडमिशन लेने वाले हैं, या एडमिशन ले चुके हैं, या पास आउट करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि बीएससी सीबीजेड यानी कि केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी से करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आपके पास में हो सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या हैं कोर्स की, और क्या क्या फ्यूचर में आप कितना करियर बना सकते हैं, कितना नहीं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जॉब अपडेट्स के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए। ओके, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम सीबीजेड के बारे में। केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी क्या है? बेसिकली ग्रेजुएशन का एक कोर्स है जो कि 3 साल का होता है सब जगह। और जल्दी से इसकी बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो 12th क्लास में मैथ वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं, जिनके लगभग 50-55% मार्क्स आपके आ गए हैं अगर 12th क्लास में, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। प्लस जल्दी से इसके बारे में बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि इसकी जो अप्रोक्स फ़ी है, मतलब मैंने पर्चे पे ये सारी चीज़ें लिख के रखी हैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए, तो भाई मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो जितने भी मतलब इससे रिलेटेड फ़ी वगैरह, आपकी 50,000 से स्टार्ट हो जाएगी फ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में, और 80,000-90,000 तक जा सकती है प्राइवेट कॉलेज की फ़ी। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर सकते हैं तो 3,000 से लेकर 4,000, 5,000, 6,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज में इतने में निपट जाती है। इसकी फ़ी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट फंडेड कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फ़ी महंगी होगी, 50-55,000 होगी कम से कम गवर्नमेंट में भी। मेन जो चीज़ है हमारी, हम बात करने वाले हैं बेसिकली जॉब्स के बारे में, जॉब एस्पेक्ट्स कैसे रहने वाले हैं। तो आप 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं इसमें, केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपके पास में सबसे पहला अगर जॉब ऑप्शन मैं बताऊं प्राइवेट कंपनीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कर जाना चाहते हैं इस बेसिकली इस कोर्स को करने के बाद, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको 10-12,000 की जॉब मिलेगी, और वो भी बहुत मेहनत मशक्क़तें करने के बाद। ओके, बहुत ज़्यादा मुश्किल है बीएससी करने के बाद जॉब पाना सीबीजेड वालों के लिए, और इस कुछ ऐसा ही हो गया है माइक्रो बायोटेक वालों के लिए भी। तो ये हो गया। प्लस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कोचिंग है इफास, उसके ऊपर मतलब इंडिपेंडेंस डे पे कुछ बहुत बड़ा ये लोग करने वाले हैं, और एक मतलब हिस्ट्री कह सकते हैं ना कि इनके लिए कि अभी तक इतना बड़ा कुछ किया नहीं होगा, तो कुछ करने वाले हैं, इन पे नज़र बना के रख सकते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है, बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं इफास कोचिंग के बारे में। बेसिकली कोचिंग है स्पेशली फॉर IIT JEE CSIR नेट के एग्ज़ाम के लिए, CUET एग्ज़ाम के लिए, इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड कोचिंग है, तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं। आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बीएससी सीबीजेड करते हो तो आप IIT JEE का एग्ज़ाम भी दोगे अपना बीएससी करने के बाद में, CSIR का भी एग्ज़ाम दोगे करने के बाद में, और CUET का भी एग्ज़ाम दोगे आप अपना बीएससी में एडमिशन लेने के लिए भी दोगे इस एग्ज़ाम को। तो आपके लिए स्पेशल है, इसलिए स्पेशल चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। आप मेरे वीडियो पर आए हो, कुछ तो आपका फ़ायदा होगा यहाँ से, तो आप देखो जाकर, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मतलब फ़ायदा मिलेगा, नज़र बना के रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये हो गया प्राइवेट की बात मैंने बताई। प्राइवेट के बाद मैं बात करता हूँ थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड। देखो गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज आती हैं जो कि ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं, उन सब में तो आप एलिजिबल हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसका नुकसान क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ायदा ये है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अगर आपकी मैथ वगैरह भी अच्छी है, अगर आपने केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से कर लिया, तो आप सारी वैकेंसीज का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो ये करने के बाद में, तो बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो। लेकिन जो बायो वाले बच्चे रहते हैं उनकी मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो आती हैं, जो स्टूडेंट्स स्पेशली ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कॉमर्स से होते हैं ना, जो उसी चीज़ को पढ़ते हैं स्पेशली ज्योग्राफी वगैरह से, उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है, तो उनके लिए स्पेशली वो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं। हालांकि सीबीजेड के लिए लाइफ साइंसेज वालों के फील्ड में भी स्पेशल वैकेंसीज आती हैं, अगर आप वो करते हो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि प्राइवेट में चले जाओगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई जॉब नहीं है। और बात करें अगर गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ की हालत थोड़ी खस्ता है, बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज़ आ रही हैं बायो वालों के लिए। दूसरी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन दूसरी वैकेंसीज़ अगर हमें देनी है तो फिर दूसरा कोर्स करते ना, सीबीजेड क्यों करते। तो वैकेंसीज़ की हालत थोड़ी खस्ता है, तो आप सोच समझ के एडमिशन लेना इस चीज़ में। तो सीबीजेड के बारे में ये कुछ बात हो गई। प्लस एक बात है, जिन लोगों को एकेडमिक्स में जाना होता है तो वो सीबीजेड के साथ साथ या इसके बाद बीएड कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एजुकेशन मतलब 11th 12th गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में आप जाना चाहते हो तो बीएड कर सकते हो, और इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। उसमें भी सैलरी मतलब वही है, 50-60,000 तो नॉर्मल मिली जाएगी आपको सैलरी। लेकिन अगर हायर एकेडमिक्स में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन जो मैं बता रहा था ना इफास कोचिंग के बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली
हायर एकेडमिक्स मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनना है तो आपको बीएससी के बाद एमएससी करनी पड़ेगी। एमएससी करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब बीएससी करने के बाद भी दे सकते हैं उस एग्ज़ाम को, सीएसआईआर यूजीसी नेट, उसमें अगर आपकी जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी रैंक आ जाती है, तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर लग सकते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में और अपना एकेडमिक्स में करियर बना सकते हैं, चाहे तो पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी, 5 साल की लगभग पीएचडी, 10 साल गुजर जाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते। और आज का ज़माना बहुत फास्ट है, और फास्ट चीज़ों से रिलेटेड मैंने कुछ कोर्सेज वगैरह बताए हैं आपको, न्यू एज स्पेशलाइजेशन 5 कैटेगरी बताई हैं, उनको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ ऊपर आई बटन में या जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो गाइज, ये था कुछ CBZ के बारे में। कोई डाउट्स क्वेरीज हों तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर भी हूँ। यू कैन बुक योर स्लॉट फॉर योर करियर गाइडेंस और काउंसलिंग, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है तो थोड़े से चार्जेस के हमने रखे हैं, 499 में सारी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहने वाला है ये भी बताया जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिन लोग को सिर्फ 1-2 क्वेश्चन हैं नॉर्मली पूछने हैं बिना पेड गाइडेंस के, वो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।